तो खाई है बहुत तगड़ी। उधर गाइस माता रानी का मंदिर है, आरती होगी। गांजा ही सेफ्टी वगैरह नहीं है, अगर कोई बच्चा उच्चा आ रहा है तो उसके ऊपर ध्यान रखने वाली चीज़ है। जब देख लो यहाँ की वैसी बाउंड्री कमजोर है, और देख लो नीचे कितनी तगड़ी खाई है। निकल तो गया मैं, लेकिन भयंकर लू चल रही है अभी, खतरनाक धूप हो रही है। निकल गया तो जाना तो पड़ेगा, तो सोच रहा हूँ विक्की के घर जाऊँ, उसके बाद थोड़ी देर रुकूँ, फिर थोड़ी शाम हुआ 4:30 बजे निकलूँ। तो इतनी भयंकर लू हो रही है, जाते जाते ही हालत खराब हो जाएगी। शाम में निकलना बेटर होता, मैं जल्दबाजी में निकल गया। तो कोई नहीं, अब तो चलते हैं। टी शर्ट भी हाफ पहन लो। देखो क्या खतरनाक चीज़ मिल गई मुझे, ये मैंने अभी 2-3 दिन पहले लिया था। तो बिल्कुल सही किया लेके, यहाँ अब हाथ मेरे धूप से जलेंगे नहीं। सब चलते हैं, वैसे धूप देख सकते कितनी खतरनाक है। अब लग रहा है प्रॉपरली गर्मी आ चुकी है, इतनी भयंकर लू चल रही है। मैं भी रुका हूँ रेड लाइट पे, सब छाँव में रुका हूँ। मैंने एक सबसे बड़ी गलती कर दी, मैं जल्दबाजी में निकलने के चक्कर में चप्पल पहन के आ गया, तो पैरों में भी जो गर्म हवा लग रही है ना, तो पैर ऐसे लग रहे हैं जल रहे हैं। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा राहत मिली है। बहुत वेट करके ही चलेंगे, मैं कहना थोड़ा वेट करके ही चलेंगे विक्की घर से, क्योंकि यार इतनी जल्दी जाके कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी धूप में जल जाएंगे, जाते जाते ही परेशान हो जाएंगे। तो भाई यहाँ के तरफ लग रहा है जैसे AC में आ गया, क्योंकि इतनी बाहर इतनी भयंकर धूप है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। तो बाइक लगा दिया और विक्की घर पीछे दहेज का सामान आ गया, चलते हैं ऊपर, थोड़ी देर बाद ही निकलेंगे जब थोड़ी धूप कम हो जाए तब निकलेंगे। रुकी यार बहुत भयंकर धूप हो रही है, थोड़ी देर रुक के चलेंगे, काला पड़ जाएगा। तो भाई वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, धूप थोड़ी शांत है, 4:30 ये तो रेडी होकर बैठा था पहली बार, मुझे लगा नहा के निकला ही होगा जब जाऊँगा, कि रेडी हो रखा था आज। तो कह रहा है वहाँ पे रील वील बनाने की, कह रहा है रील बनाएगा, तो मैंने कहा इससे लोफर निकाल दे, मैं भी लोफर पहन लूँगा, चप्पल में मैं एक रील बनाऊँगा, लोफर पहनूँगा और मैं भी एक दो रील बना ही लूँगा, बात रील हम भी बना लेंगे भाई। सो भाई यहाँ से हम निकलेंगे अक्षरधाम वाले हाईवे से, आगे जाके हेलमेट पहनते हैं और फिर फोन लगाना पड़ेगा यहाँ पे माउंट, क्योंकि प्रॉपर एड्रेस पता नहीं है, फिर निकलते हैं। तो भाई यहाँ से हम निकलते हैं मयूरार फेस वन से, यहाँ से हमने लगा लिया मैप, और यहाँ से है 9.6 किलोमीटर, जहाँ से पास है मेरे यहाँ से था थोड़ा दूर, यहाँ से तो पास ही है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। सो गाइस इतने ज़्यादा लेट हो गया, 5:40 हो गए, और मैं आपको बताना ही भूल गया जल्दीबाजी में कि हम पुराने किले आए थे। चलो लगा तो दिया व्हील लॉक, चलो व्हील लॉक लगाना जरूरी नहीं है, फिर भी लगाई देते। पार्किंग के पैसे हैं, फ्री पार्किंग है भाई, सबको लगाई दे, किसी चीज़ अच्छी नहीं होती भाई। पार्किंग लगाते हैं, 20 मिनट है हमारे पास, जल्दी जल्दी दिखा के आप लोगों को, फिर देखते हैं कुछ और चीज़ दिखाएंगे। थोड़ा हार्ड वर्क तो है, स्मार्ट वर्क भी करें। और इसी के साथ एंट्री लेते हुए हम गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग पैसे मांगेंगे, कुछ किया ही नहीं, 25-25 रुपये पहले ले लिए एंट्री फीस, ना एंट्री के नाम पे ले लिए 25-25 रुपये। यार यहाँ मैं आ चुका हूँ, संडे का दिन था, मैंने सोचा कहीं बाहर निकला जाए, तो विक्की ने बोला भाई मैं पुराने किला नहीं गया, मैंने आज इसी को घुमा दिया जाए आज।
ऐसे दरवाजे ये हैं। ये क्या, ये किला तो शुरू होते ही खत्म, ये किला तो शुरू होते ही क्या तो मस्त जगह है। यहाँ तो हम ऐसे भी आ सकते हैं बैठने के लिए, तू क्या घर के पास है तो क्यों आना है यहाँ पे बैठने के लिए। ये है वो, घूम लिया, यही तो है वो, यही है वो मेन मकसद है इसका, रील बनाना। इसने एक रील देखी थी यहाँ पे, तब से रट लगा के बैठा था, वहाँ जाना है वहाँ जाना। आ गया, मिल गया चैन, हो गई तमन्ना पूरी, चल अब रील बना। अकेले अकेले भी बना गए। ये देखो इस क्या बना रखा है, क्या ही है, अरे उस साइड से आगे चलेगा नीचे, नीचे तो घास फूस, घास फूस कमरे बने हैं बहुत सारे। मैं गई सीढ़ियाँ तो काफी पुरानी है, इसलिए तो इसका नाम है पुराना किला। सब पुराना है। ये हम आ गए हैं 30 साल पहले वाली दिल्ली में, तो 30 साल नहीं 50 साल पहले। ये दिल्ली है मेरे यार। ये किस चीज का पेड़ है विक्की, देख लो विक्की, ये किस चीज के पेड़ है ये? हाँ गांजा है ये, गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का, भांग भांग कर लिया तो ना, नशा कर लिया भयंकर, अब नहीं बचने का विक्की तू। इसके नीचे देख कम, तो खाई है बहुत तगड़ी। उधर गाइस माता रानी का मंदिर है, आरती होगी, क्यों 6:30 से क्या मतलब है। ये देखिए सीढ़ियाँ, चल ऊपर। सो गाइस पर कुछ साफ सफाई नहीं चलती, ऐसी गंद मचा रखी है। हिस्टोरिकल प्लेसेस है दिल्ली की, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये हम आ गए आसमान की ऊंचाइयों में, बाउंड्री पे है, तो गाइस सेफ्टी वगैरह नहीं है, अगर कोई बच्चा बच्चा आ रहा है तो उसके ऊपर ध्यान रखने वाली चीज है। जैसे देख लो यहाँ की वैसी बाउंड्री कमजोर है, और देख लो नीचे कितनी तगड़ी खाई है। ओए चल नहीं भी गिर जाऊंगा ना, तो जान बूझ के गिर जाऊंगा। ये क्या बात करता है यार, वो गिर जाएगा जान घबरा के। काफी खतरनाक खाएंगे, कह रहा जान बूझ के गिर जाऊंगा। विक्की तो विक्की है, रूम बन रखे हैं, इसके अंदर जाना, इसके अंदर कोई जानवर भी होंगे, सांप वगैरह हो सकते हैं। और गार्ड भाई सबको भगाते हुए, चलो भाई चलो, टाइम हो गया, टाइम हो गया। तो भाई ऐसे हमारी टाइमिंग गलत हो गई, अब इस साइड से आना। बढ़िया जगह है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे कलाकार भी दिखा रखी है अपनी, हर्ष लव सोनिया, वाह विशाल लव सृष्टि, कारीगरी कर दी अलग अलग अपनी अपनी, बाकी जगह तो मस्त है। इसमें आवाज भी गूंज रही है, वो चले भाई करते रहिए भाई, अगर कोई नीचे रुक गया गलती से छूट गया तो फिर कोई नहीं छूटता भाई, अभी नीचे सब चुप होता है। इन्फॉर्मेशन जरूरी है गाइस, चलते हैं हम भी उसको, देखो ये मस्त फोटोग्राफी करने में लगा पड़ा। विक्की हो गई,
ख्वाहिश पूरी, चले अब शहर में पकड़। अब तो ठीक है ना, आगे स्वाद मन गया संडे। यस, और कोई दिल्ली? ये देखो भाई, कभी इतना स्मार्ट हीरो देखा आप लोगों ने? अरे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए विक्की। चलो चल रहे। अबे उस साइड भी बना रखा है कुछ, उससे अबे घूमे ही नहीं है पता है। घूमे ही तो नहीं, दिन उस साइड भी है। दिन में आने, जिस दिन मौसम सही होगा ना उस दिन जरूर आएंगे। टोकन तुझे दिया क्या? टोकन घूम घाम के 6:30 बज चुके हैं अब शाम के, और हम निकल गए हैं वापस। सनसेट हो चुका है, मतलब हो रहा है। चलते हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे फिर निकलेंगे वापस घर के लिए। ये है असली आर्टिस्ट, देखो भैया ने कितनी कितनी बढ़िया ड्राइंग बनाई। बनवाएगा 250-300 भैया कितने लेते हो? 300 देखा उस टाइम पे 250 था। पेपर में यहाँ तो ये पूरा जीता जागता इंसान बना देता है। नहीं मेरी ड्राइंग स्टार्टिंग से अच्छी थी, लेकिन टाइम के साथ सब निकल गया। वी ग्रो अप। चल कोई नहीं, बाइक लेके चलते हैं। चल कोई नहीं, अब तो राइडर बन गए हैं, पहले स्केचर थे अब राइडर। हेलमेट पहन लियो वहीं से। पीने का तो कुछ सही सा दिख रहा है, नींबू पानी पी लेते हैं। जो नींबू पानी यार वही है, ब्रेड पकौड़े वगैरह। ऑयल वाली चीज़ें नहीं खाने का मन करता, गर्मी वैसे लग रही है। हेलमेट में तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है। नींबू पानी पीते हैं और कुछ स्पेशल खा के भी तो आया है। तो कहाँ से खाएगा? ये बिल्कुल करेक्ट बंदा है। उनका लाल किला यहाँ से कितनी दूर है? 5-6 किलोमीटर। पुरानी दिल्ली में आता नहीं है? नहीं ये नई दिल्ली है। अब क्या करेगा? अब तो मैंने बोल मैंने बोला ना, ये पुरानी दिल्ली थोड़ी है। क्या करेगा? नींबू पानी तो आज नींबू पानी पी के तो हो गए बिल्कुल फ्रेश। लग रहा है थोड़ा एक्टिव एक्टिव। मैप खोल ले, मैप खोल ले, सीधा फेस होने उतरे ना भाई, और कहीं नहीं उतरे। मैप को रास्ता याद नहीं हुआ? रास्ता याद है, फिर भी कन्फ्यूजन ना हो भाई। पता ना, एक हल्का सा रॉन्ग टर्न और 3-4 किलोमीटर का लॉन्ग हाई। मैप खोल लूँ, मैप खोल लूँ अपने मैप। बाल सही रहेंगे वरना खड़े हो जाएंगे मेरी तरह। मुझे ही बांध लेना चाहिए ना, मैं बाल बैठा के रखता हूँ। अरे बांधना चाहिए बाल एक साइड है। शिट, घर पहुँच चुके हैं। कितना टाइम लग गया ना आने में? आधे घंटे। आते वक्त जल्दी आ गए, जाते वक्त टाइम लग गया था। अक्षरधाम वाले हाईवे पे बहुत ज़्यादा जाम था संडे में, तो यार सब अक्षरधाम ही भागते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसलिए ट्रैफिक था, लेकिन आते वक्त नहीं मिला ट्रैफिक। आप क्या? मैं घर नहीं जाऊँगा, चाय पीएंगे। हाँ तो चाय पी के चल लेते हैं। चल बिस्कुट भी है? बिस्कुट नहीं है, बिस्कुट तो लाना पड़ेगा ना भाई। पैसे मेरी बात को सीरियसली ले लिया, बिस्कुट लाने चला गया मैं। चलो क्या कर सकते हैं, खा के चलेंगे। विक्की के घर से अपने घर पे आ चुका हूँ और इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। होप आप सभी को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो फिर तो लाइक बटन एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल, और जो भी बंदे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, आपके भाई के चैनल है। मिलता हूँ आपसे एक और बेहतरीन ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग। बाय गाइस।